नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। किचन ऑटोमेशन की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो इक्विपमेंट ले रहे हैं वो है हमारा वॉकी। वॉकी का हिंदी मीनिंग होता है कढ़ाई पतीला, जो कि हम लोग हर एक कुजीन में यूज़ करते हैं, हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं। जो ये प्रोडक्ट है हमारा वॉकी, जो कि बनाया गया है मुकुंदा फूड्स के द्वारा, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, लगभग 10 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करती है। काफ़ी और भी इनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी रोबोटिक इको फ्राई की, वो भी इनका ही प्रोडक्ट था। बाकी इनके इस प्रोडक्ट के डेमो के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। आप उन नंबर्स पे जाके कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट पे भी जाके अपने जो डेमो आप बुक कर सकते हैं। डेमो आप बेंगलुरु में भी ले सकते हैं, या अगर आपको ऑनलाइन लेने हैं, ऑनलाइन मतलब कि 1-to-1 अगर आप पर्सनली उनके जो डेमो लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि अगर आप एक कैटरिंग कंपनी चला रहे हैं, रेस्टोरेंट क्लाउड किचन चला रहे हैं, कोई भी फूड बिजनेस चला रहे हैं, और यहाँ पे जो जिनका एक फ्रेंचाइजी के तौर पे वो काम कर रहे हैं, उनके 2 आउटलेट हैं 4 आउटलेट हैं, और क्वालिटी के साथ वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, तो आप इनके जो डेमो ज़रूर लीजिएगा। तभी जाके आपको पता चलेगा कि इन मैजिकल्स मशीन के बारे में। जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि एक बटन दबाएं और सारे काम हर जगह हो जाएं, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार के सिस्टम है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, इवन बहुत ही, अब मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स इनके हैं। और अगर बात करें, कई सारी कंपनीज ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं इनके प्रोडक्ट को, तो मेरी तरफ से भी यहाँ पे गोगो है। चलिए, अब जो ये वॉकी है, वॉकी का जैसे कि मैंने हिंदी मीनिंग बोला, कढ़ाई पतीला हो गया, तो इसमें जो भी हमारे खाने बनते हैं, जैसे कि हमारे चाइनीज़ के नूडल्स हो गए, हम इंडियन की ग्रेवीज़ बना रहे हैं, थाई की कोई डिशेस बना रहे हैं, या हम लोग कोई मुगलई फूड बोल रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की ग्रेवी, ड्राई आइटम, सब्जी, कुछ भी इसमें बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे जो कोटेड ड्रम लगे पड़े हैं, 3 कोटेड ड्रम्स लगे पड़े हैं, बाकी जब हम लोग डेमो करेंगे, लाइव डेमो करेंगे उनके किचन में जाके, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर समझ आ जाएगा। ये जो वॉकी है कम्प्लीटली एंड्रॉयड बेस होता है, जिस प्रकार से हमारा फ़ोन चलता है एंड्रॉयड बेस, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो IoT फंक्शन है, इसके द्वारा आप कहीं पे भी बैठे हुए, रिमोटली बैठे हुए नई नई रेसिपीज फिट कर सकते हो अपने वॉकी के अंदर, और वॉकी अपने आप ही कुकिंग करेगा। यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, शेफ़ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई तो आपको रखना ही पड़ेगा, पर जिसके पास ज़्यादा हाई स्किल्ड ना हो, लो स्किल्ड हो, वो भी चल सकता है। आप एक समय में यहाँ पे लगभग 250 करीब रेसिपीज सेट कर सकते हैं। 250 रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक पूरे रेस्टोरेंट में 250 रेसिपीज़ नहीं होती है। इसके अलावा हर रेसिपी के आप 5-5 वेरिएंट्स डाल सकते हो, तो लगभग यहाँ पे मैं बोलूँ तो 1200 प्लस रेसिपीज़ आप डाल सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ये आपकी एनर्जी को भी सेव करता है, एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही हैं, अगर आपकी कुकिंग नहीं हो रही है तो बंद हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल उसमें आपको पायलट जला के रखना पड़ता है, आपने देखा होगा, पायलट से भी आपका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, फ्यूल आपका लगता है। इसके अलावा मैन पावर कॉस्ट बन रही है, हम जैसे शेफलेस मॉडल की बात करते हैं, तो अगर आपने एक बार अपनी वॉकी के अंदर रेसिपीज फिट कर दी, तो कोई भी बंदा चला ले, वो अपने आप ही उसमें दिखता जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे मखनी ग्रेवी बनानी है, तो उसमें अपने आप ही लिखा आ जाएगा कि मखनी ग्रेवी में आपको इतना तेल डालना है, इतने टमाटर डालने हैं, पानी डालना है, वो आपको अपने आप ही गाइड करता जाएगा। तो जो भी नॉर्मल बंदा, और इवन अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ा लिखा मतलब कम पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे पिक्चर्स आने लग जाती है, ऑयल के पिक्चर आने लग जाएगी, टमाटो के पिक्चर आने लग जाएगी, तो वो अपने आप ही वो सारी चीज़ें बनाने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो रॉ मटेरियल लगने वाला है, आपकी जो इन्वेंट्रीज होने वाली है, वो मेंटेन होगी, क्योंकि जो भी क्वांटिटी उसमें बताई जाएगी, तो जो बंदा उसे बनाएगा, शेफ़ या कोई भी हेल्पर जो बनाएगा, तो सेम एग्जैक्ट वो वही चीज़ें यूज़ करता रहेगा, तो आपकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है यहाँ पे, और आपकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे बच रही है, बाकी आपकी प्रिफरेंस बचेंगी। सेम अगर इन्वेंट्री के मैं के थ्रू मैं इसको बोलने की कोशिश करूं, इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत क्या है, जिस प्रकार से हम लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं, अगर हम लोग फायर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कोई कढ़ाई या पतीला इंडक्शन के ऊपर रखते हैं, तो इंडक्शन के अंदर कुछ कोल्ड स्पॉट्स होता है, जिसके के द्वारा हमारा जो पतीला है प्रॉपरली, जो उसका तला है, अच्छे से गर्म नहीं हो पाता है, कहीं पे वो ठंडा रह जाता है, कहीं पे गर्म होता है, और हमारी कभी भी इवनली कुकिंग नहीं होती है। पर इसके अंदर हमारी जो कुकिंग है सारी की सारी इवनली होती है, और हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा कुक होता है। सेम अगर जैसे हम लोग ओवंस यूज़ करते हैं, कहीं पे कोल्ड स्पॉट है, कहीं पे हॉट स्पॉट है, कहीं पे ज़्यादा गर्म होता है, कहीं पे ठंडा गर्म होता है, तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे निकल के नहीं आते हैं। सेम यही गलतियाँ हमारे जो
अगर हम लोग इंडक्शन में कुकिंग करते हैं तो होती है, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसके अंदर जो कि एक क्लीनिंग का है, बहुत ही बढ़िया है, फॉसेट लगाया गया है, नीचे सिंक लगाया गया है। आप इसको वॉकी ना बोल के, मैं तो बोलूँगा इसको एक स्टेशन बोल सकते हो, जिस प्रकार से हमारे किचन में हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा चाइनीज़ कुकिंग स्टेशन है, इंडियन कुकिंग स्टेशन है, तो आप इसको भी एक स्टेशन का नाम दे सकते हो, जहाँ पे कि आप सिर्फ चाइनीज़ कुकिंग करोगे या इंडियन कुकिंग करोगे, आपके ऊपर है। क्लीनिंग के लिए फॉसेट लगाया गया है ताकि फट से आपका बर्तन रेडी हो जाए नेक्स्ट डिश को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मस्ट गो प्रोडक्ट है, आपको इसके ट्रायल ज़रूर लेने चाहिए, इसके डेमोज ज़रूर लेने चाहिए। आपको लेना नहीं लेना तो आपके ऊपर बात है, पर किचन के अंदर जो भी नए नए ऑटोमेशंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेमो चाहते हैं, मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या आप लोग मेरे रेफरेंस के द्वारा भी डेमो ले सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो ज़रूर लिखिएगा, और आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए इक्विपमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।